माता भगवान शंकर के अपने बड़े सारे गण हैं। मां पार्वती गुरु
अपना कोई गण नहीं हुंदा, पहले कोई बाथरूम वगैरह नहीं हुंदे, तो कोई भी अपना कोई काम करना हुंदा हा ते कोई कुंज दो अपना गण नहीं हुंदा। वो शिवजी भगवान कोल गणेश और कार्तिक हे वीर बद्र हे नंदी हा वो भी बड़े सारे हे हुंदे कोल थाली रखी, थाली अपनी पूरी मैल धोली, मैल धोने बाद पुतला बनाया मां पार्वती शक्ति लैके विसर्जन प्राण पाए जहां कोई भी नवी मूर्ति स्थापना करनी और प्राण विसर्जन करने जो प्राण पाने बाद खड़ोई है जरा जात जीवित हुई है फिर उन्हें पूछा कि मां मेरे वास्ते आग्ञा दसो की आग्ञा उन्होंने उन्हें आख्या तू द्वार पर खड़ोई है कोई अंदर नहीं आन दिया एरे विच कोई रचना होनी ही कोई इतिहास रचोना है तो भगवान शंकर आई जिंदे उन्हें दोने रात वो नहीं अंदर जाने से रोकता दोने रात तो जमीन युद्ध होता भगवान शंकर अपने दर्शन करा मस्तक गटी उठते जो मां पार्वती की पता चलता भगवान शंकर ने उनका मस्तक गटी उड़ा बड़ी रोंदी हुई आती उसे मेरे पुत्र के मारी उड़ा तुम जीवित करो भगवान शंकर अपने त्रिशूल की आग्ञा देंदे कि तीनों लोकी से जा जिहड़ी मां अपने पुत्र को विमुख होइए बैठी ओहदा मस्तक कट्टी जांदे आ कदे भी आंधी अपने पुत्रे कोला बच्चे कोला आंधी परांधी कदे नहीं सोना अगर बच्चा शायद पुत्र है ओहदे परांधी कदे नहीं सोना बड़ा भारी शगुन हुंदा डवाठी वगैरह रुट्टी नहीं खानी जियां दरवाजा इहदे मध्ये च कदे रुट्टी नहीं खानी तरकाले कदे सोना नहीं तरकाला जिहड़ा शाम पौंदी आ उस वेले कदे सोना नहीं आयुषहीन हुंदी अगर रुट्टी खाचे बीमारियां लगदियां शरीर दे विच रोग दोष पैदा हुंदे तो तीनों लोकी जांदा त्रिशूल ते इक जंगल दे विच उसी एक हथ नहीं लभदी ओहदा बच्चा नुहाड़े परांधी सुत्तरा हुंदा ओहदा मस्तक गड़दा भगवान शंकर अपनी शक्ति कन्नै उस जिहड़ा गणेश दा जिहड़ा हाथी दे बच्चे दा सिर उस गणेश गी लांदे ते नाम दिंदे गण नायक गणेश फिर भगवान गणेश आखदे मां पार्वती मेरी माता है गया जिहड़े 15 सहेली उस वेले सहायता कीती उहने सारे ही अपनी माता मनदे ਇਹ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਓ ਉਹ ਪਾਤੇ ਪਾਤ ਮਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖੇ ਆਚ ਮੰਨਿਓ ਸਰਵਾਂਗੇ ਸੁਸਲਾ ਨਿਮ ਤੇ ਸਮਰ ਕੇ ਆਮੀ ਨਾ ਚੋਰ ਹੋ ਛੱਡੋ ਮੰਗੇ ਦਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਦਾ ਹਮੇ ਇੱਛੇ ਤਾਹੇ ਮਾਮੀ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਦੀਪ ਕਸਨ ਵੇਦਨ ਵਿਦਿਆ ਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਾਈ ਲੋ ਆਹੋ ਓਮ ਗੋਰੀ ਪਰਮਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸੈਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਹ ਮਾਤਰੋ ਲੋਕ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਦਾ ਇਸ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਸੁਨਾਤਿਕਾ ਹੇਤਾ ਬ੍ਰਿਜੋ ਪੂਜਾ ਕੋਸ਼ਮ ਕੋਸ਼ਮਾਤਿਕਾ ਬਿਉ ਨਮੋ ਨਮਾ ਪੰਜ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਓ ਇੱਥੇ ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षतम चे ओंकाराय नमो नमः मत्त रेकिना अगे मां लक्ष्मी का ध्यान करना ओम या श्री स्वयं नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्म नाम के सजाम विदेशु बुद्धि श्रद्धा सताम गुण धन्य प्रभु सज्जा काम काम सहा समा परिपाले देवी विश्व ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः अगे ब्रह्मारा चतुर्मुख ब्रह्मारा ओम जम ब्रह्म पितांति दो वदिन ब्रह्म प्रधान पुरुषा नम विधान है विश्वोद्गत कारण विश्वत्मन विनाशनाय ओम ब्रह्मणे नमो नमः अगे भगवान विष्णुदा ओम विष्णु रात्मसी विष्णु जनपत्रेस्तो विष्णु सूर्यसी विष्णु धर्मोसी वैष्णवमसी विष्णवे नमो नमः अगे भगवान शंकर दा ओम नमः शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च निष्कराय च नमः शिवाय च शंकराय च नमः अगर विष्णु अगर अस विष्णु पुराण पढ़चे ना ओहदे च इह अवत हुंदा कि विष्णु भगवान सुते रहे हुंदे उंदी नाभी दे विच ब्रह्मा पैदा हुंदे अगर शिव पुराण पढ़चे ना ओहदे च इह हुंदा कि भगवान शंकर दे द्वारा गे ये विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई जी और विष्णु भगवान सुते रहे हुंदे नाभी चा पैदा हुंदा ब्रह्मा पैदा हुंदे जिहड़ा ब्रह्मा जिहड़ा पैदा हुंदा हा वह विष्णु भगवान की मारने आ रहे हुंदे दो राक्षस है मधु कैटव ये दो राक्षस उन्हें मारने जा रहे हुंदे फिर जिहड़ा ब्रह्मा है ब्रह्मा की नाभी चा जिहड़ा विष्णु भगवान पैदा हुंदे फिर वह अपने सुदर्शन विष्णु की नाभी ब्रह्मा पैदा विष्णु एक पुराण च यह आखदा कि विष्णु की नाभी चा ब्रह्मा पैदा हो रहा है एक पुराण आखदा ब्रह्मा की नाभी दे नीचे भगवान विष्णु पैदा हो रहे जिहड़ा है ब्रह्म पुराण पढ़ के उहदे च भगवान ब्रह्मा ही उपचार दस्सेरा विष्णु च पुराण पढ़ के भगवान विष्णु की अगर भगवान सारा जगत के भगवान शिवमय है सारी सृष्टि के शिवमय है और भगवान शंकर एक ऐसे देवता ना जेड़ा कोई इंदी पूजा करता है सच्चे मन कन्ने इन्हें गड़बा पानी चढ़ाई उठता जिसी बड़ा क्रोध आंदा वा अगर मखीर आगने शिवलिंग ही मला
साफ पानी कन्नै धोई ओड़ा फिर वह शांत हो जाता। जेड़ा कुसे दा ब्याह नहीं होंदा होवे जां नहीं होवे वह सारे उपाय भगवान शंकर कन्नै गै न। कोई भी अगर उपाय करना वह भगवान शंकर कन्नै अगर ओंकार श्री लक्ष्मी का सदा करूं मैं ध्यान, ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम काशापतितं तोयम् यथा गच्छति पाकरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवम् प्रति गच्छति। एक जला छठी करवाओ ओम अनंत के तहत पूजने यथा मंत्रोच्चारण भक्ति भाव श्रद्धा रूपेण श्री पंचोंकार धीरता प्रेम काम नमम नो जला छठी करवाओ से पहले ध्यान करना सूर्य भगवान का छोड़ो दो छोड़ो। ओम अकर्षणा रत्सावृत मानो निवेशयान मृतो मृतेन चरणेन स्वीता कहना देवो याति भुवनानि पश्यम ओम सूर्य देवाय नमः नमः। अगर कुंडली दे विच सूर्य खराब हुआ तो क्यों दा सूर्य खराब हुआ समाज दे विच मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। पिता और पुत्र दे विच शत्रु जैसा व्यवहार होता दोनों आपस विच अनिबंधी है उस बंदा जरा थोड़ी सेहत भी जी बिल्कुल भी ठीक नहीं रही शरीर की रोग दोष लगे रहा। सूर्य की ठीक करने के करना होता जिसका सूर्य अच्छा हो ठीक करने के करना होता सवेरे उठिए ट्रामे का गड़बा लैना है स्टील का गड़बा नहीं ट्रामे का गड़बा लिए लाल कुंडली बननी ओम ग्रीणी सूर्याय नमः। इस मंत्र कन्नै सूर्य की पानी देना जिससे सूर्य चढ़ता हुआ पूर्व वाली साइड का पानी देने के बाद जो पानी थले डिगया इन्हें दो अंगली कन्नै अपने मत्थे अक्खें टिका लाना। अगर साढ़े नेत्र के संबंधी कोई प्रॉब्लम है अगर सानू ऐनक लगी दी है और जहाँ तो उत्थे टिकाओ रोग नजर या दो नंबर अगर सानू सिर दर्द वगैरह शरीर की कोई समस्या इतने टिका लाना सारा शरीर तो रोग दोष दूर ही नहीं शरीर स्वस्थ रहा सुनाया ये सीधे चला डॉक्टर ला ओम ग्रीन सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करना या गायत्री जप भी बोली सकते ओम कृष्ण मृतमें देव याति बुनाने पश्चिम ओम सूर्य देवाय वाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इतने देव चंद्रमे की ओम इमन देवस्पद सदम मैंते कत्राय मैंते ज्येष्ठा मैंते जान रजिंद्र सिंद्राय मूष पुत्र मूष विषय भूमि राजा सोमो स्माकम ब्रह्म नानन राजम सोमय वाहयामि स्थापयामि पूजयामि। जिसका कुंडली दे विच चंद्रमा खराब हुआ और मन एक जगह ऐनी लगता है निकी निकी गलें की बड़ी जल्दी अपने दिला पर लैंदा बंदा इंसान भैं पुरुष हो भैं स्त्री हो कोई भी उसकी गल या मजाक से भी अगर कोई बोलेगा ना बड़ी जल्दी अपने दिला चो लैंदा डिप्रैशन से जाने की बड़ी प्रॉब्लम होंगी निकी निकी गल दिला पर लैंदा डिप्रैशन से जाने की प्रॉब्लम होंगी। एक जगह मन स्थिर ऐनी लगता एक जगह टीके काम नहीं कर सकता वह बंदा और जिसका चंद्रमा खराब हुआ और अपनी माता कन्नै ऐनी बनती है माता पुत्र है चाहे पुत्री है शत्रु जैसा व्यवहार हों मां अगर सीधा भी आखेगी उन्हें आखना इयै बोलेगा कि मेरा सब तो बड़ा दुश्मन ही है। चंद्रमे की ठीक करने वास्ते क्या करना होंगे भगवान शंकर की पूजा करनी आओ सकते रोज भगवान शंकर के मंदिर जाना एक गड़बा पानी चाढ़ी होना और इं कोड़े देला दीये जलाई होना बस नित प्रति करना है जी आज सोमवार या शनिवार करना होंगे नित प्रति करना ये चंद्रमे की अगर समस्या जी है वह ठीक हो जाती या सोम सोमवार चीज़ का दान करना आटा हुई चौल हुई चिट्टा कपड़ा हुई कोई भी चीज़ का दान करना। इधर जो मंगल की ओम अग्नि मुदा दिवा गगनपति पृथ्वी पर गम सजनवती ओम ओम आए वाहयामी स्थापयामी पूजयामी। मंगल मंगल जिहड़ा एक ऐसा दोष होंगे जिहड़ा अस विवाह के समय देखने जिस स्त्री की या जिस अगर मुड़े की मंगल है अगर कुड़ी की मंगल नहीं है अगर उन्हें दोनों विवाह भी होंगे तो इसका विवाह ज्यादा देर तक टिकता नहीं है अगर जो दोनों ने आपू विषय बनती नहीं है अगर बनी जाग तो दो ज्यादा देर तक जिंदगी कहना जीवित नहीं रह सकता इन्ना ग्रह विवाह के समय इसी दिख देना अगर एक की मंगल हो दुए की मंगल नहीं हो अगर रिश्ता करना हो फिर एक का पहले विवाह करवाने पौधा बैरी कन्नी या कुंभ कन्नी फिर अस इसका विवाह जरा संपन्न करी सकने दूआ नंबर जिसका मंगल अच्छा हो ऐसे लोग जड़े होंगे बैल्ट पोस्ट के एक अच्छी पोस्ट के उपर विराजमान होंगे। त्रीआ नंबर जिसका मंगल अच्छा हो जमीन जायदाद बड़ी ज्यादा होंगी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते जमीन जायदाद बड़ी ज्यादा होंगी लैंड पर आते लैनी देनी ये काम बड़ा ज्यादा उनके को जिंदा मंगल अच्छा हो बुद्ध दे
जय श्री राम। अगर उनके कोई भी आएगा अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ कोई कुछ भी पूछन जाएगा सही सुझाव देगन। बोलने के बड़े अच्छे होंगे, टेक्निकल काम कोई भी कर कामयाब होंगे और दिमाग बड़ा तेज होंगे। बृहस्पति ओ बृहस्पति अति यद्र जो हरा तुम बात कर तुम जिने की रीद यक्ष वर्ष जी प्रजात समाप्त देवी देवी पितरम ओम बृहस्पति वायम स्थापयामी पूज्यामी बृहस्पति। जरा बृहस्पति का अच्छा हुआ ऐसा जाति बड़ा घर होता माता पिता की आज्ञा का पालन करने करने वाला होंगे। घर के अगर निके भैन भरा ने बड़े भैन भरा ने उन्हें कन्ने लिए चलने वाला होंगे। समाज के प्रतिष्ठित लोग होंगे, मान सम्मान की समाज के प्राप्ति होंगी। सरकारी क्षेत्र के एक अच्छी पोस्ट के उपर विराजमान होंगे, सरकार को बेनीफिट प्राप्त होंगे। जिंदा बृहस्पति अच्छा हुआ बृहस्पति के अच्छा करने वास्ते केले का बूटा होंगे उसी पानी देना बिच बसार पै लेने पानी देना बसारा टिका लाना या पीली कमली बननी होनी बस ये करना बृहस्पति अच्छा हो जाता। समाज के जिन्हें भी सुख होंगे सारे जुड़े रहे होंगे, खासकर सरकारी क्षेत्र जोड़े होंगे वो बृहस्पति के जुड़े रहे होंगे। शुक्र ओम नाम प्रश्न करो संभावना व्याति पर खतरों पे आओ ओम प्रजा बजे निकल सकते हैं ग्रेन विवाह शुक्र मध्य संध्य समय तो ओम मतलब तुम शुक्र है वाह यामी साप यामी पूजा में विवाहिक जीवन जड़ा होता है ये शुक्र दे ऊपर निर्भर होता। अगर सारा शुक्र अच्छा है सारा विवाहिक जीवन अच्छा कोई और जीवन के जिन्हें भी सुख होंगे गड्डिया सुख मकान का सुख पत्नियां सुख जायदाद जिन्हें भी हर प्रकार का मकान का सुख हर प्रकार का सुख शुक्र कने जुड़े रहा। अगर शुक्र अच्छा सानू लग्जरी लाइफ होंगी बंदे की पैसे की कोई कमी नहीं होती। शनि ओम शनो देवी लगिष्टे आप बंधु पीते शनो रवि समंतुला ओम श्रिश्चराय वाहे आमी स्थापे डट के चलना अगे बस दो उतरा डट के चलना। शनि शनि के होंगे न्यारा देवता होंगे जिस हिसाब से साढ़े कर्म होंगे उस हिसाब का फल जरा शनि प्रदान करता। अगर साढ़े अच्छे कर्म होगन सू अच्छा फल प्रदान करना। अगर अस कुछ छल कपट धोखा करिए शनि ने साढ़े कहीं छल कपट और धोखा करना जो दंड देना वो अलग कोला और दंड जरा देना अपने समर्थ्य के अनुसार देना अपनी मर्जी में देना वास्ते जीवन के परोपकार के काम करने अच्छे काम करने कुहा कहीं छल कपट नहीं कदम भी करना। अगर छल कपट करके जो शनि की दशा अंतरदशा चलती है या शनि की साढ़े सती चलती है फिर साढ़े कहीं भी छल कपट हों और ब्याज सबूत छल कपट फिर दंड देंगे इस वास्ते अच्छे काम करने वास्ते अच्छा फल देंगे। ओम शनो देवी विष्टा प्रबंधु पित्यो शनि रवि सुवंतना ओम शनिश्चराय वाहयामी स्थापयामी पूजयामी। शनि की ठीक करने वास्ते एक तो भगवान शंकर का मंदिर जाना वो हनुमान चालीसा पाठ करना। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद शनि शनिवार जो शनिवार जो मंगने वाले होंगे ना तेल लेना कोली दे विच अपना मूँह दिखना कोली दिखना हाँ अपना तेला मूँह दिखना एक सिक्का पाना बिच मंगने वाला आता शनिवार उसी दे देना काला कपड़ा भी दे मां भी देते हैं चपलियाँ चूड़ा भी देते कोई भांडा भूडा भी देते स्टील का शनि ठीक होता। राहु ओम ज्ञान चित्रापति सदा प्रदत्त है ज्ञान चिष्टा वाला ओम राहु वाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आखदे नी बंदा यार इ'यां गै होंदा अज लखपति करोड़पति है। अगर राहु कुंडली दे विच अच्छा होवे अगर ये अच्छा फल प्रदान करा तो बंदा लख इ'यां गै होवे ते बड़ी ऊंचाइयां तक लिया जांदा। कौन लिया जांदा राहु राहु दी अगर दशांतर दशा होवे और इहदे विच बंदा अच्छा काम करीदा ते लख कखपति दा लखपति होंदा और लखपति दा सड़क पर भी आई जाता करने वाला कौन होता राहु। केतु ओम केतु त्रिमन केतवे केशो मरिया पेश थे समुषद दे जाए था ओम केतवे वाहयामी स्थापयामी पूजयामी। केतु हुंदा पुत्र संतति ग्रह पुत्र प्राप्त करने वाला साढ़े कुल का वाधा करने वाला कौन होता केतु। साढ़े कुल की जी कुल का वाधा होता परिवार वाधा बोलता केतु केतु वजह कहीं होंगे नवग्रह ठीक है। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुंशिष्णुदेव समवर्तता पदभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पेन पानी जलाई छुट्टियां कराओ
बृहस्पति प्रसूता नोमता फुले मथा गुरु पर ओम नाना सुनजे पुष्पाणी यथा कारो भगवानी च पुष्पांजलि अर्पया दत्ता गृहनाशम परमेश्वर देवता पुष्पांजलि से चार प्रदक्षिणा करो ओम यानी कानी च पापानी जानी जन्मांतर कर्तानी च कानी सर्वानी नश्यन्तु प्रदक्षिणाएं बदे बदे नवग्रह के प्रार्थना करनी के नवग्रह देवता साड़ी कुंडली के अंदर अगर कोई अशुभ ग्रह हुआ है वो सानू शुभ फल प्रदान करा अच्छा फल प्रदान करा जेड़े अच्छे ग्रह ना और ज्यादा सानू अच्छा फल प्रदान कर सारे जीवन की सुखमय शांतिमय बना क्योंकि जेड़ा सारा संपूर्ण जीवन हुंदा तुंदे नवे ग्रह दे अधीन हुंदा अगर ये नव ग्रह साड़ी कुंडली दे विच अच्छे ना सारा संपूर्ण जीवन अच्छा अगर ये कुंडली दे विच खराब हुई जान गलत कार बैठी जान गलत दशा आई जा पूरा जीवन उथल मुथल होगा इे प्रार्थना करी नव ग्रहेंगे ओम ब्रह्मा मुरारी चुप्रांत कारी पानी शशि भूमि शुभो मुदर्च शुक्राजन राव के सर्वे ग्रह शांति करह भगवत एक जल छिटी लो ओ मने किसे पूजन के सामने दो चार मुक्ति पावन श्रद्धा रूपेन पूरा दिन नव ग्रह देवता प्रियंताम नमम जेडे ढीले दे पत्र है नी एक दिल जल छिटी करवाओ ते ओम पाद्यो पाद्यो मत्सोर्यम रूपे आत्मन्यम परवांगे सुखानिम च समर्पयामि नमः सूर बोले थोड़े छड़ी ना थे उन्हें शुरू कहा निश्चिता ही मामी कुछ पानी दूर बजी पर चले विद्यन विद्यामी प्रार्थना च प्रार्थयामी टिका लाओ तुझे इधर लाई लो तू उधर लाई केले लाओ ले केले लाओ ओम ऋग्वेद आय नमः यजुर्वेद आय नमः अथर्ववेद आय नमः ओम सामवेद आय नमो नमः वेद कहते ना मेरा कोई भी काम जरा होता वेद जी देवी होता वेद अगर लगी जी है ये वेद लगी है आज इतने कोई भी करके जी सारी जगह जी है कोई भी मेरे मन 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 कोई सारी जगह वेद अगर नहीं लगी जी है कोई उठा जा रहा है तो थले बैठे हैं जब बाहर वेद जी की ब्याह होता कोई भी उपरा अगर कुछ खरीदा जाता हाँ कोई कुछ खरीदा अगर वो कुछ खरीदा तो वो पवित्र नहीं जाएगा वेद करने और जगह करने पवित्र नहीं रोनी चाहिए शुद्ध नहीं जाए तां बेदी के अंदर कोई भी पूजा पाठ कोई भी शुद्ध काम करिए और अतुलनीय फल होगा इतने जो सत्य ऋषि ग्रहाचार्य जो है ओम पाद्यो पाद्यम भक्तर्यम उते आत्मन्यम सर्वांगेषु प्राणिम से समर्पयामि नमः सूर को छठीरो ओम कृष्ण पत्र भद्वारो चार भी नहीं है दुनिया चंदा में छता मानु पुष्पानि धूप दीप चन विद्यन विद्यामि प्रार्थना च प्रार्थयामि कृष्ण पत्र भद्वाजो विश्वामित्रो गौतमा जम दग्नि वशिष्ठ च सप्तते गोत्रकार का सत ऋषि कौन होए अस सारे दुनिया ना जी उनकी संतान सारे जेडे गोत्र ना इन ऋषि की वजह कन्या कश्यप कुहरा कश्यप गोत्र होंगे अत्री कुहरा अत्री होंगे कश्यप अत्री भरद्वाज होंगे कश्यप अत्री अत्री भरद्वाज उनका भरद्वाज ये सारे ऋषि हुए विश्वामित्रोत गौतमा जमदग्नि ऋषि हुआ जमदग्नि विशिष्ट सप्तके गोत्र सारे जी दुनिया इतने गोत्रे की वजह नहीं हो सकता भी पूजा करनी नाग देवते कराओ चार जलाई छिटियां प्रत्यक्ष देवता है कलयुग के वो पाद्यो पाद्यो मस्तोर्यम उसे आत्मनम सर्वांगे स्वामी समर्पयामि नमः ओ नमस्तु सर्पेभ्यो ये पृथ्वी ये मनु ये दिवितेभ्यो ओम सर्पेभ्यो नमो नम उपरिंद्री ग्रह चाचरा ओम पाद्यो पाद्यम हस्तर्घ्यम मुखे आत्मन्यम सर्वांगे स्वामी समर्पयामि नम ओं तरातारिंद्र मवितारिंद्र गुंग हवे हवे गुह गुंग सूर्मिंद्र हवयामी चक्रम सूर्भूतमेन्द्र सुखिन मध्वा दास इंद्र ओम इंद्र देवाय नमो नम मुखिया पानी चढ़ पानी चाहिए थोड़ा थोड़ा जी।